गणेश मूर्ति धूम। बेमेतरा में मूर्तिकार द्वारा बनाए गणपति की प्रतिमाएं मचा रही धूम। विघ्नहर्ता भगवान गणपति की प्रतिमा इन दिनों मूर्तिकारों द्वारा निर्मित प्रतिमाओं की झलक काफ़ी लुभाने वाली है। साथ ही छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को लेकर इसे काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं विगत 2 वर्षों से कोरोना वायरस ने लोगों की उत्सुकता को समाप्त कर दिया था। अब इस बार लोगों में काफ़ी उत्साह और उमंग उल्लास देखने को मिल रहा है। धार्मिक आस्था में गणेश चतुर्थी का होता है वह विशेष महत्व। देवताओं के अधिष्ट देव के रूप में भगवान गणपति की होती है पूजा। विघ्नहर्ता व विद्या के वरदान हेतु भगवान गणेश की आराधना की जाती है। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर विशेष रूप से भगवान गणेश विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। वहीं लोग चौक चौराहों में समिति तैयार कर युवाओं में बड़ी उत्साह और उमंग के साथ में भगवान गणपति को बिठाते हैं और 11 दिनों तक करते हैं पूजा। मूर्तिकार द्वारा निर्मित प्रतिमाओं की झलक इस बार काफ़ी अनोखी देखने को मिल रही है। बेमेतरा के माता भद्रकाली प्रांगण में कलकत्ता से लगातार मूर्तिकार 25-26 वर्ष हो गए आते। उन्होंने बताया कि लगभग 300 मूर्तियां बनाई हैं। वहीं मूर्तिकार ने बताया कि कोरोना के बाद पहली बार पर्व आया है जिसमें पूरी उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस बार बिक्री खूब हो रही है। वहीं 100 रुपये से लेकर 3 से 4 हज़ार रुपये की मूर्ति बनाई है। बेमेतरा में दूर दूर से आकर जगह जगह बना रहे हैं मूर्तिकार मूर्तियाँ। वही बेमेतरा से 20 किलोमीटर दूर सिमगा से भी मूर्तिकार आए हैं। उन्होंने भी बताया कि यहाँ 25 वर्ष हो गए हैं और लगभग 35 से 40 वर्ष हो गए भगवान गणेश जी की मूर्ति बनाते हुए। मूर्तिकार ने बताया कि यहाँ बेमेतरा में 4 माह पूर्व आते हैं और मूर्ति के लिए सभी सामग्री की व्यवस्था कर तैयारी करती हैं और गणेश चतुर्थी से पहले बना लेते हैं। भगवान गणेश की मूर्ति बनते बनते लोग आकर मूर्ति खरीद लेते हैं। कलकत्ता से 5 से 6 लोग यहाँ भद्रकाली मंदिर में आकर मूर्ति बना रहे हैं। हर वर्ष आते हैं बेमेतरा में मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए।